यह डीवीडी का लेंस है मैकेनिज्म के साथ में। इसमें दो मोटर लगी रहती है, तो आज हम इसमें जो है एक टेक्निक लगाते हैं। टेक्निक क्या लगाएंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे और देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप देखिए, तो सबसे पहले हम मोटर की जो कनेक्शन है उसको अलग अलग करेंगे। दोनों मोटर को पहले सर्किट से हटा लेते हैं, क्योंकि एक छोटी सी सर्किट होती है, तो उसको हम हटा लेते हैं। और हटाने के बाद दोनों मोटर की कनेक्शन को आपस में जोड़ दीजिए, चाहे रेड के साथ में ब्लैक को जोड़िए, चाहे रेड रेड में जोड़िए, ब्लैक ब्लैक में जोड़िए, जैसे चाहें वैसे आप जोड़ सकते हैं, उससे कोई ऐसा नहीं है। तो ये निकाल लिया मैंने, और दूसरी तरफ भी निकाल करके दोनों को जॉइंट कर दिया। देखिए, तो मैंने तो उसी सेम टू सेम जोड़ दिया है, रेड में जोड़ा है, ब्लैक ब्लैक में जोड़ा हूँ, आपके जैसे चाहे वैसे जोड़ सकते हैं। अब एक काम करिए, ये इस जो लेंस है उसको आगे पीछे करिए, देखिए कुछ आपको दिख रहा है। देखिए, अब ये देखने के बाद खुरापाती दिमाग चाहे इसके ऊपर कुछ भी वीडियो बनाए, कहीं भी चीटिंग करें, कर सकते हैं, लेकिन वो फालतू का काम है ना, किसी के सीखने का काम नहीं है, भ्रमित करने का रहेगा। आपको मालूम है कि डीसी मोटर को जब हम घुमाते हैं तो उसमें कॉयल जो बनी होती है और वो जो मैग्नेट जो एक फील्ड होती है, तो फैराडे का नियम आपको मालूम होगा, वही नियम काम करता है। तो आप लोग पढ़ने वाले छात्र हो तो आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा, जो पढ़ के आगे चले गए हैं बहुत, तो उन लोग को तो ये मालूम होगा, जो इस लाइन में होंगे उनको भी मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए विशेष करके है। अब मैं नया इसमें एक और करता हूँ कि इसका मैं कनेक्शन के ऊपर दो LED बल्ब, एक का पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव, एक तरफ ऐसे करके मैं जोड़ देता हूँ। मैं इसलिए ऐसे जोड़ूंगा कि इसके ऊपर जब हम स्लाइड को आगे और पीछे करेंगे तो जो प्लस पॉइंट रहेगी वो माइनस में बदल जाएगी, जब हम रिवर्स में आएंगे तो उसमें बदलाव होगा। आगे की तरफ जाएंगे तो जो प्लस रहेगा, और जब उसी पे रिवर्स आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने दो LED लगा दिया और दोनों का अलग अलग पोलर कर दिया हूँ, ताकि एक का पॉजिटिव होगा तो दूसरे का निगेटिव होगा, तो एक नहीं तो दूसरी जलती ही रहेगी। तो देखिए, मैं इसको स्लाइड को आगे पीछे कर रहा हूँ तो कितना आसानी से ये जल रहा है, देखिए कोई फेक नहीं है। आप कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, और आपको मालूम होगा, अगर पढ़े होंगे आपको मालूम है फैराडे का नियम, तो मोटर के अंदर DC जो मोटर होती है, इस मोटर के अंदर वही होता है और कुछ है नहीं। जो कुंडली जो है कुंडली मैग्नेटिक फील्ड में जब बार बार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ये होता है। तो इसमें ये होता है कि चुंबक को ना बदल करके जो अंदर इसकी कॉयल होती है, हम उस कॉयल को घुमाते हैं, यानी वो कुंडली को ही फ्लक्स में घुमाते हैं, और जिसके वजह से उस कॉयल में जनरेट होता है, और उसके जो ब्रश लगी होती है जिससे कनेक्शन बाहर आता है उसमें वोल्टेज जनरेट होती है, और उस जनरेट जो वोल्टेज है उसको हम दूसरी मोटर में दे रहे हैं, तो दूसरी मोटर भी चलेगी। फर्क इतना रहेगा कि उसमें हमको ज़्यादा जो है एनर्जी देनी पड़ेगी, और उन एनर्जी मैं दे कहाँ से रहा हूँ, अपने हाथों से दे रहा हूँ, इस स्लाइड को आगे पीछे कर रहा हूँ, इसमें मैं एनर्जी दे रहा हूँ। तो एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, इससे यही होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ना कि पैदा होती है। पैदा हो ही नहीं सकती है, कभी हुआ ही नहीं है, तो आज कहाँ से होगा। और इसी तरह की वीडियो बहुत सी तरह तरह की फेंक वीडियो डालते रहते हैं लोग, और लोग देखते हैं मेरा लेंस तो टूट गया, लाओ इसको और सत्यानाश कर देते हैं, लॉकडाउन में तो काम ख़त्म है, तो अभी काम आने वाला नहीं है, टीवी का काम तो वैसे भी ख़त्म है, अब टीवी में LCD हो गया, LCD करने के लिए जो अच्छे अच्छे मैकेनिक हैं उनकी भी लगी पड़ी है, उनको भी मालूम है कि VGH VGL करते करते आँखों की जो है दशा ख़राब हो गई है, और इतनी माइक्रो लेवल की मशीन है तो लाएंगे कहाँ से। तो हम भी बैठे तो बोले लाओ यही सब करते हैं, तो देखिए। लेकिन हाँ, अपनी जानकारी जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, गलत एक भी नहीं रहेगा, फेंक तो बिल्कुल नहीं भाई, फेंक से दूर रहिए, क्योंकि फेंक वीडियो एक बार बना लेंगे, दूसरी बार आप करेंगे तो गाली सुनेंगे कमेंट में, तो सब मत करिए, वो जब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पे गाली दे के भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि वो सब मतलब नहीं मैं रखता हूँ,
कमेंट से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, और लाइक सब्सक्राइब वही करें जिनको कुछ सीखना है जानना है, और वो नहीं जब इधर ही उधर आपको करना है तो बहुत सी चैनल आपको मिलेंगे। हाँ एक चीज़ है, मेरा थोड़ा बोलने में भाषा में जो है त्रुटि हो सकती है, कारण ये है कि हम अब काम करते हैं, हम प्रोफेशनल थोड़े हैं कोई कि नहीं चलो हम बात करते हैं हज़ारों लोग से, हमारी तो जबान भी लड़खड़ाने लगती है, तो गांव के हैं भैया ऐसे ही हैं। लेकिन जो है बिल्कुल सही है, फेंक एकदम बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, लाइए एक और दिखा देता हूँ। अभी इसको मान लीजिए मैंने एक मोटर को घुमाया तो दूसरी वाली घूमने लगी, तो इसके लिए अभी चेक कर लेते हैं क्या दूसरी वाली घुमाएंगे तो पहली वाली घूमेगी कि नहीं घूमेगी, ये भी तो एक सोचने की बात है ना। तो लाओ वो भी कर लेते हैं, देखते रहिए आराम से आपको दिखेगा वो भी। तो देखिए मैं भी एकदम वैसे ही लगा हूँ कि आप आपके समझ में आए कि गलत नहीं है, तो देख लीजिए कितना भी दाएं बाएं करके। अब मैं इसको दूसरी तरफ से घुमा करके, चलिए अभी इसको जो है मैं एक पॉइंट लगा लेता हूँ इस पर, इसलिए पॉइंट लगा रहा हूँ कि दिखने में थोड़ा आपको वो लगेगा। तो मैं दूसरी तरफ की मोटर के गियर के ऊपर लगा देता हूँ, और ये दूसरी मोटर है नीचे साइड में। तो अभी मैं इसकी पुल्ली दूसरे वाले जो जिस पे सीडी कैसेट चलती है वो वाले हिस्से को घुमाऊँगा। आप देखिए तो मैंने ये घुमाना शुरू कर रहा हूँ, देखिए घूम रही है आराम से। अब मैं दूसरे वाले को भी ऐसे दूरी करके देख, यही है फेंक वीडियो नहीं है, आप करिए प्रैक्टिस में दिखेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए नमस्कार भाई।